तो फिर से ये बोल रहे थे प्रार्थना कर दो। बेटी की हालत बहुत ज्यादा और खराब हो गई, समझो बेटी की हालत और ज्यादा खराब होती थी, पर उसने फिर से प्रार्थना नहीं की, क्योंकि मेरी जो गाइडनेस है बच्चों को, टीम को, मैं हमेशा इन्हें सिखाता हूं कि वो करना जो परमेश्वर आपको अगुवाई करे, उसी से सब कुछ, बुद्धि से नहीं होना, क्योंकि खुदा का वचन कहता है ना, बल से न शक्ति से मेरा काम मेरी आत्मा से। तो उन्होंने प्रार्थना नहीं की उस बेटी, तो इन्होंने मन खराब कर दिया, और मन खराब करने से इनकी हालत बच्ची की और भी ज्यादा खराब हो गई। तो मैंने क्या किया, कोई चंगाई की प्रार्थना नहीं की, ध्यान से समझो अगर आप आदमी को, कोई मैंने हीलिंग की प्रार्थना नहीं की, चंगाई की प्रार्थना नहीं की, सिर्फ मैंने जिस बात से शैतान ने इस बच्ची के जीवन में और प्रॉब्लम को बड़ा कर दिया, उसी बात के लिए मैंने मन फिराओ की प्रार्थना, अभी आपने सुना है ना क्लिप, मन फिराओ की प्रार्थना की, कि बोलो कि इज़राइल का परमेश्वर शुद्ध मन वालों के लिए भला, क्योंकि मन खराब करने का जो विषय है वो बहुत खतरनाक है, बहुत ज्यादा खतरनाक। जितने लोग मन खराब करते हैं किसी भी बात को लेकर, जैसे मन को सही किया, देखो आपके सामने, मैंने कोई हीलिंग की, कोई चंगाई की प्रार्थना नहीं की, अपने अभी क्लिप में देखा। हालेलुया, इस गवाही को अंत तक देखें, क्योंकि इस गवाही में जो समझाया गया है आप भी सुनकर बहुत ब्लेस होंगे। इस गवाही को सुनने से आपके रोग और दुख भी जाएंगे। हमारा विश्वास है इस गवाही को पूरा सुनने से निश्चय आप आजाद होंगे, इसलिए इस गवाही को पूरा सुने। आमेन। हालेलुया। तो इस सिस्टर का नाम सोनिया है और चिमान खरा के रहने वाले हैं, और जिस सिस्टर की बेटी की गवाही है, छिप बता रही कि 15 दिन हो गए थे इनकी बेटी को फीवर की प्रॉब्लम थी, और जी बहुत ज़्यादा मेडिसिन दे रहे थे फिर भी इसका फीवर उतर नहीं रहा था, और अभी फीवर सही नहीं हो रहा था, तो इसको लूज मोशन की प्रॉब्लम होगी, और जैसे ही जो लूज मोशन की प्रॉब्लम थी, और जब भी जो पोटियाँ करती तो इसको ब्लड भी आ रहा था बहुत ज़्यादा, और इसकी भी जो मेडिसिन दे रहे थे फिर भी इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा था। और फिर जब बता रही कि जैसे जी डॉक्टर के पास गए, तो डॉक्टर ने इसके टेस्ट किए, तो डॉक्टर ने बताया कि इसके पेट में इन्फेक्शन की प्रॉब्लम है, जिसके कारण जो इसको बहुत ज़्यादा ब्लड आ रहा है। तो ये बता रहे कि मेडिसिन भी दे रहे थे पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा था, और अभी लूज मोशन की प्रॉब्लम भी सही नहीं हो रही थी, कि इसकी बॉडी में छोटे छोटे दाने हो गए, और जब बता रहे कि इनकी फैमिली ने इनको कहा कि जे, क्योंकि बहुत ज़्यादा छोटे छोटे दाने थे, तो जब बता रहे कि इसको चिकन पॉक्स की प्रॉब्लम हो गई थी, जिसके कारण इनकी फैमिली भी काफ़ी ऐसे डर गई, क्योंकि इसको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम एक सही नहीं हो रही थी तो दूसरी फिर से शुरू हो जाती थी, और अभी जे भी प्रॉब्लम सही नहीं हो रही, तो इसको बहुत ज़्यादा खांसी की प्रॉब्लम हो गई, और जिसके कारण जो कुछ भी खा पी नहीं रही थी, और बहुत ज़्यादा लूज मोशन की भी प्रॉब्लम थी, ब्लड आ रहा था पोटियों की पोटियाँ रही, और जिसके कारण जो बहुत परेशान हो गए। और फिर जैसे इन्होंने, जिस सिस्टर ने हेल्पलाइन नंबर पर जैसे इन्होंने कॉल की, तो जब इनकी बात ब्रदर जी के साथ हुई, तो उन्होंने इनकी प्रॉब्लम के बारे में इनसे पूछा, तो जैसे इन्होंने सारी प्रॉब्लम बताई, तो इनके लिए जब प्रार्थना कीगी, तो जो बता रहे हैं कि जैसी प्रार्थना हुई, तो प्रार्थना कहेगी, तो इनका विश्वास नहीं भर रहा था, तो जो बता रहे हैं कि जैसे इनका विश्वास नहीं भर रहा था, क्योंकि प्रेयर तो परमेश्वर की ओर से, जैसी परमेश्वर में गाइड करते और परमेश्वर की आत्मा द्वारा हुई थी, पर इनका विश्वास ना बनने के कारण इनकी बेटी सही नहीं हो रही थी, ना तो इसका फीवर उतर रहा था, और बाकी की प्रॉब्लम भी पूरी तरह से थी अभी तक, और कुछ भी सही नहीं था, और जो बता रहे कि जिसके कारण जो फिर भी काफ़ी परेशान थे, और फिर से इन्होंने हेल्पलाइन नंबर पर दूसरी बार फिर से इन्होंने कॉल की, और इनकी बात एक सिस्टर जी के साथ हुई, और जैसे इनकी बात हुई तो इन्होंने बताया, क्योंकि उस सिस्टर की पहले भी इनसे बात हुई थी, तो जैसे इन्होंने बताया कि हमने प्रेयर भी करवाई पर फिर भी इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ा, तो आप इसके लिए प्रार्थना करें, क्योंकि उन्होंने पहले इनको उत्साहित किया था, क्योंकि उन्होंने बताया था, क्योंकि जो संडे की मीटिंग में भी नहीं थे आए, और इनको बताया था कि आप पर्सनल मंडे की मीटिंग में आए,
तो जो मीटिंग में नहीं थे पहुंच पाए, तो जैसे ही इन्होंने बताया कि हमारे लिए प्रेयर की गई थी, ब्रदर ने की, पर कोई फर्क नहीं पड़ा, तो फिर सिस्टर जी ने इनको उत्साहित किया कि पहले हमने आपको मैसेज दिया था, बताया था कि आपके लिए पर्सनल मीटिंग बहुत ज़रूरी, आपको वचन की ज़रूरत है, और आप मीटिंग में आए पर नहीं पहुँचने के कारण जो आपकी प्रॉब्लम है बहुत बढ़ गई है, और अभी आप परमेश्वर के आगे बैठे और प्रार्थना करें और अपना मन फिराएं कि एक तो आप संडे की मीटिंग में नहीं आए, और अगर मंडे के पर्सनल मीटिंग में बुलाया गया तो फिर भी आप नहीं पहुंच पाए, तो आप परमेश्वर के आगे प्रार्थना करें और मन फिराएं, परमेश्वर अपना अनुग्रह अपनी दया करेंगे और आपकी बेटी अच्छी होगी। पर जो बता रहे हैं कि इनका फिर भी विश्वास नहीं बना, क्योंकि बेटे की हालत सही होने के बजाय और भी बहुत ज़्यादा खराब होगी, इसे होश ही नहीं आ रही थी, तो इन्होंने अपना मन खराब कर लिया कि इनके लिए सिस्टर जी ने प्रार्थना नहीं की, क्योंकि जैसे हमारे स्पिरिचुअल फादर जैसे टीम को टीच करते हैं कि परमेश्वर का आत्मा आपको बताएगा कि कैसे किस रीति से हमें हर एक को वचन बताना है, कैसे प्रार्थना करनी है, तो जैसे ही परमेश्वर के दास हमारे स्पिरिचुअल फादर टीम को तो टीच करते थे, पर जैसे उन्होंने तो इनको टीच किया, उत्साहित किया, पर इनका विश्वास ना बनने के कारण इन्होंने उस वचनों पर भी अपना मन नहीं लगाया, ध्यान नहीं किया, तो प्रॉब्लम और भी बढ़ गई। तो ये बता रहे हैं कि जो जो सिस्टर हैं इनके ब्रदर इन लॉ, वो भी इस मिनिस्ट्री में सिक्योरिटी गार्ड की ड्यूटी करते हैं, सेवा करते हैं, तो जैसे इन्होंने उनके साथ जब बात की तो उन्होंने इनको बताया कि ऐसे हम परमेश्वर के दास के साथ बात करते हैं कि आपकी मीटिंग हो, तो जैसे फिर जब परमेश्वर के दास के साथ जब बात हुई तो परमेश्वर के दास के द्वारा मैसेज मिला कि आप उन्हें बोले कि जब मीटिंग में उन्हें बुलाया गया तो वो क्यों नहीं पहुँचे, तो फिर से जब इन्हें मैसेज तो दिया और कुछ समय बाद फिर परमेश्वर के दास के साथ जैसे टीम की बात हुई तो फिर इनको मैसेज दिया गया कि आप अगर मीटिंग करना चाहते तो फिर आज ही आए, क्योंकि उस दिन ही ये चाहते थे कि हमारी अब मीटिंग परमेश्वर के दास के साथ हो। पहले तो मना कर दिया, पर जैसे खुदा ने अपने दास को अगुवाई की तो फिर से इनको उसी दिन ही भवन में बुलाया गया, और जब इन्होंने मीटिंग की परमेश्वर के दास के साथ तो परमेश्वर के दास ने पहले इनको टीच किया, उत्साहित किया कि परमेश्वर कैसे हमारे जीवन में काम करते हैं, और फिर इनके लिए मन फिराव के लिए प्रार्थना की गई, और आए पहले हम इस वीडियो क्लिप को देखते हैं। प्रगट हो चुकी है जिदे लई मैं अपने मन नु फिराया आ, मैं फिराया आ, मैं तौबा की, अगे तो इदा थकी अपने मन नु फिराव नहीं करन, ते मैं शांत कर दिया, मैं जो मंगया प्रभु जी तुसी अपनी दया नाल उस वचन नाल तुसी अपने दास दाऊद नु किया कि इजराइल दा परमेश्वर शुद्ध मन वाले लिए भला आया, तो तुसी किया शुद्ध मन वाले परमेश्वर नु देख, मैं खुदा तेरी महिमा नु देख चुकी हूं, खुदावन मैं तेरी चंगियाई नु तेरी सामर्थ नु देख चुकी हूं, पूरी तरह खुदा पूरी कर अपनी सामर्थ्य यीशु के नाम में आमीन। और जैसे इनके लिए मन फिराव के लिए परमेश्वर के दास के द्वारा प्रार्थना हुई, उन्होंने रिसीव की, तो जो कि इन्होंने बताया कि इनकी बेटी बहुत ज़्यादा लूज मोशन की प्रॉब्लम थी, इसको ब्लड आ रहा था और एक घंटा आधा घंटा भी नहीं था निकलता और जो पोटी कर देती थी, पर जैसे इनके लिए जब ये प्रेयर हुई इनको वचन के साथ उत्साहित किया गया, तो ये बता रहे हैं कि उसी दिन ही परमेश्वर की ग्रेस ने इस बच्ची को टच किया शुहा, और ये बता रहे हैं कि उस दिन से ही परमेश्वर ने जो इसकी बहुत ही ज्यादा लूज मोशन की प्रॉब्लम थी परमेश्वर ने पूरी दिन से थी 15 दिन से, और इस प्रॉब्लम से तो पहले परमेश्वर ने उसी दिन ही इनको फ्री कर दिया, अब जी जब जब अपने घर भी गए रात के समय भी कोई प्रॉब्लम नहीं आई, और इस प्रॉब्लम से परमेश्वर ने इसको हील कर दिया, पर अभी इसका फीवर, इसके चिकन बॉक्स की प्रॉब्लम और प्लस इसकी खांसी की प्रॉब्लम थी, और अभी जी कुछ खा भी नहीं रही थी, तो जैसे फिर जो डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने इनको कहा कि जो इसको चिकन पॉक्स की प्रॉब्लम के कारण इसका फीवर उतर नहीं रहा, और अभी आप इसे ज़्यादा मेडिसिन ना दें, तो जैसे फिर जब ये घर आए तो फिर से इन्होंने हेल्पलाइन नंबर में कॉल किया, और जैसे टीम के साथ इनकी बात हुई तो इनको फिर से उत्साहित किया गया
कि जो वचन खुदावन के दास के द्वारा आपको दिए, आपने नोट किए, आपने उस वचनों को बैठकर पढ़े और प्रार्थना करें, और परमेश्वर अगर उस प्रॉब्लम से इस बच्चे को आजाद कर सकते हैं तो ये कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। तो जैसे फिर इन्होंने और भी उस वचनों को पढ़ा और प्रार्थना की, तो परमेश्वर ने इस बच्चे के जीवन में जो फीवर की प्रॉब्लम थी और इस चिकन पॉक्स की प्रॉब्लम थी, बॉडी में छोटे छोटे दाने हो गए थे और खांसी की प्रॉब्लम थी, परमेश्वर ने उस प्रॉब्लम से इसको फ्री कर दिया। और जो कुछ भी नहीं खाती थी, दूध भी नहीं पीती थी, और उस दिन से जी फिर जी खाना पीना भी इसने शुरू किया, और आज ये बेटी इनकी पूरी तरह से आज़ाद है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई लूज मोशन की प्रॉब्लम नहीं, ब्लड नहीं आ रहा, पेट में इन्फेक्शन नहीं है, फीवर नहीं है। आज पूरी तरह से जिस वचन से इन्होंने मन फिराया, तो परमेश्वर ने अपनी सामर्थ से, अपनी ग्रेस से इस बच्ची को छुआ, आज पूरी तरह से जी बच्ची हील हो चुकी, आज़ाद हो चुकी है। हम सब तारीफ करेंगे कलीसिया इस गवाही के लिए। सुनो सुनो, कितनों को इस गवाही को, जिन लोगों ने सुना, अच्छे से समझ आई, क्योंकि जिस समय इस बच्ची पर, इनकी बच्ची पर ये प्रॉब्लम थी, इनको पूछे इनकी हालत क्या थी, कितने परेशान थे, कितने निराश थे, कितने दुखी थे इस बच्ची को लेकर, ये पूरी पूरी रात सोती नहीं थी, कितने समय बाद इसे पोटी आ जाती थी दोबारा, ऐसे कितनी बार बार आ रही थी, दिन में कितनी बार, सजी दिन चे पन दो तीन बारी नहीं ज्यादा, पांच छह बार हो जांदी ही, पांच छह बार ये ऐसे पोटी आती थी। हां जी सर जी, ब्लड ही आंदा भी, ब्लड ही था। हां जी सर जी, देखो, और कोई भी मेडिसिन कोई काम नहीं कर रही, बोलो क्या है, ये अपनी बुद्धि से इधर उधर भाग रहे हैं, डॉक्टर के पास जा रहे हैं, संडे भी नहीं आई, जैसे कुछ लोग बुद्धि से करते हैं ना, तो अपनी बुद्धि से इधर उधर चलेंगे, डॉक्टर के पास संडे खुदा की हजूरी में भी नहीं आए, विश्वास से कि हमारा परमेश्वर बड़ा और क्या करेगा, समझ आ रही है। तो हुआ क्या, फिर मंडे को जब आने के लिए जो टीम की एक बेटी है उससे बात हुई, तो उन्होंने कहा आप संडे क्यों नहीं आए, ठीक है कोई बात नहीं है, आपको आना चाहिए था। फिर उन्होंने कहा ठीक है, कल पर्सनल मीटिंग है मंडे की जो होती है, आप कल आना, ये मंडे भी नहीं आए। फिर इन्होंने टीम के एक बच्चे के साथ, एक बेटे के साथ उसे कॉल की, प्रार्थना तो करवा ली, पर उस प्रार्थना से इनकी बेटी चंगी नहीं हुई, बोलो इनकी बेटी चंगी नहीं हुई, ना बुखार उतरा, ना उसकी लूज मोशन की बीमारी गई, ब्लड आ रहा था। और जब उस ब्रदर ने प्रार्थना तो कर दी, पर उस प्रार्थना से भी ये बच्ची चंगी नहीं हुई, बोलो क्या हुई, क्योंकि जब पहले बात हुई तो उस सिस्टर से भी इन्होंने प्रार्थना करने के लिए कहा था, पर उसने पहले भी उत्साहित किया, उस सिस्टर ने उस ब्रदर से प्रार्थना करने से पहले उत्साहित किया कि आप आना, प्रार्थना नहीं की। इन्होंने क्या किया कि इन्होंने दूसरे नंबर पर दूसरे ब्रदर को फोन करके प्रार्थना तो करा ली, पर प्रार्थना से काम नहीं हुआ। जब नहीं हुआ तो फिर दोबारा की, फिर उसी नंबर पे कॉल पी, फिर उसी सिस्टर के साथ, टीम की बच्ची के साथ इनकी बात हुई, तो फिर से ये बोल रहे थे प्रार्थना कर दो, बेटी की हालत बहुत ज्यादा और खराब होती जा रही है, समझो, बेटी की हालत और ज्यादा खराब होती जा रही है, पर उसने फिर से प्रार्थना नहीं की, क्योंकि मेरी जो गाइडनेस है बच्चों को, टीम को, मैं हमेशा इन्हें सिखाता हूं कि वो करना जो परमेश्वर आपको अगुवाई करेगा, उसी से सब कुछ, बुद्धि से नहीं होना, क्योंकि खुदा का वचन कहता है ना, बल से न शक्ति से मेरा काम मेरी आत्मा से। तो इन्होंने प्रार्थना नहीं की उस बेटी ने, तो इन्होंने मन खराब कर दिया, और मन खराब करने से इनकी हालत बच्ची की और भी ज्यादा खराब हो गई, क्या होगी, और भी ज्यादा हालत खराब होगी मन खराब करने से, कितनों को समझ आ रही है, और भी मन खराब करने से हालत और बच्ची की खराब होगी। फिर क्या हुआ, इनका इस सिस्टर का एक ब्रदर इन लॉ जो यहीं पे सेवा करता है, तो कहते चलो कोई बात नहीं हम करेंगे बात, पर
उनसी तो नहीं हुई, फिर से टीम के बच्चों ने, उसी बेटी ने, जब इनकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी तो वो बोल रहे थे कि मिलना चाहते हैं अब मुझसे, ये मुझसे मिलना। तो मैंने कहा कि आपने बताया नहीं था कि मंडे है, वो कहते वो आए नहीं। तो मैंने कहा ठीक है, उनको बोलो अभी वीरवार आना, अभी नहीं, अभी मेरे पास टाइम नहीं है, उनको वीरवार की मीटिंग में बोलना। तो अभी अभी तो वीरवार में दो दिन थे, तो इसकी हालत बहुत ज्यादा खराब थी, पर एकदम से मैंने मना कर दिया। पर मैं फिर से कुछ समय बाद मैंने दोबारा कॉल की टीम को, बच्ची को, उनको बोलो ठीक है उनको आने दो, आज ही आने दो, ये भी आत्मा की बात है। बोलो क्या है? हो सकता मैं भी उस समय कुछ बुद्धि से करता, ना मिलता तो और मन खराब करते, शैतान कुछ और नया बखेड़ा खड़ा कर देता, कुछ भी कर सकता। हो सकता है इसको परिवार को, पूरी फैमिली को, क्योंकि ये कम से कम, ये कितने मेंबर हो आप सारे फैमिली के जो यहाँ पे आते हो? सर जी पांच जाने आंदे हो। हो सकता है कि मन खराब करने से पांचों को यहां से दूर कर देता शैतान। अगर मैं आत्मा में न होता, मैं बुद्धि से अगर फैसला लेता, ना मिलता, तो हो सकता इनकी जो मदर इन लॉ है, इनके एक देवर जी हैं, हो सकता सबके मन खराब कर सकता है, लो जी हम प्रॉब्लम में थे, दुख थे, सड़ी सुनी नहीं जी, क्या फायदा फिर आने का। समझ आ रही है? पर जब मैं, हम आपको सही चीज सिखाते हैं, सही चीज समझाते हैं क्या करो, तब लोग ध्यान नहीं देते। जब मुसीबत सिर पे आ जाती, खड़े हो जाती हैं, तब लोग भागते हैं। रात के 12 बजे भी बोलो यहां पे आने के लिए, वो तैयार हो जाएंगे। वैसे चर्च आने को कईयों का क्या है, कितनों को समझ आ रही है? तो मैंने आत्मा में समझा कि नहीं, खुदा ने मुझे कहा मिलो, मिले तो मैंने क्या किया, कोई चंगाई की प्रार्थना नहीं की, ध्यान से समझो अगर आप आत्मी को, कोई मैंने हीलिंग की प्रार्थना नहीं की, चंगाई की प्रार्थना नहीं की, सिर्फ मैंने जिस बात से शैतान ने इस बच्ची के जीवन कि मैं और प्रॉब्लम को बड़ा कर दिया, उसी बात के लिए मैंने मन फिराओ की प्रार्थना कराई। अभी आपने सुना है ना क्लिप में, मन फिराओ की प्रार्थना की कि बोलो कि इज़राइल का परमेश्वर शुद्ध मन वालों के लिए भला है। कितनों को समझ आ रही? जैसे मन फिराओ की प्रार्थना की, आपने अभी सुना 15 दिन से जो ना इसका फीवर उतर रहा था, इसकी जो लूज मोशन की बीमारी थी, लगातार इससे पोटियां आ रही थी, रुक नहीं रही थी, ब्लड आ रहा था, मेडिसिन देने के बावजूद भी उसी दिन ही खुदा ने इसे फ्री कर दिया, उसी दिन। कितनी खुदा के वचन में कितनी पावर है, कितनी ताकत है, कितनी मेडिसिन दे रहे थे और कुछ नहीं हो रहा, आई बात समझ में? पर इनके मन की कमजोरी के कारण शैतान अभी भी, उसकी पूछ थोड़ी बाकी थी, वो तो चला गया पर पूछ बाकी थी। वो बुखार के कारण एक और चिकन पॉक्स, समझते हो जिसे बोलते हैं, हम अपनी भाषा में बोलते हैं माता निकल आई है, उसके कारण बुखार नहीं उतरा, समझ आ रही है? और डॉक्टर के पास गए फिर से अपनी बुद्धि से, डॉक्टर ने कहा ठीक है जी ये इसे कुछ नहीं है, एलर्जी होगी, इसे नॉर्मल मेडिसिन दो ठीक हो जाएगी, पर इनका विश्वास नहीं बन रहा। तो फिर बात की टीम से, टीम ने फिर सिखाया जो अपने सीखा उसमें बने रहो, फिर जैसे ही उस बात के लिए अपने मन को अच्छा किया, विश्वास किया, आज आपके सामने है। बोलो क्या है? कोई बीमारी नहीं, कोई लूज मोशन नहीं, कोई फीवर नहीं, कोई कमजोरी नहीं है, अभी सब कुछ खा पी रही है, हाँ खा पी रही है जी सर जी, कुरकुरे भी जी, तो वो नहीं देना है, समझ आ रही है? समझ आई इस बात की? क्योंकि मन का जो विषय खराब करने का, जो सबसे ज्यादा खराब है, कितनों का समझ आ रही है? इस गवाही को आपको समझाने में हमें टाइम तो लगा है, पर नो प्रॉब्लम, कोई बात नहीं है, आपका समझना ही हमारे लिए सब कुछ है। क्योंकि मन खराब करने का जो विषय है वो बहुत खतरनाक है, बहुत ज्यादा खतरनाक है। जितने लोग मन खराब करते हैं,
किसी भी बात को लेकर, जैसे मन को सही किया, देखो आपके सामने, मैंने कोई हीलिंग की, कोई चंगाई की प्रार्थना नहीं की, अपने अभी क्लिप में देखा, क्योंकि आत्मा से होना है, शरीर से नहीं होना। जितनी चाहे मर्जी प्रार्थनाएं करते रहो और कराते रहो, खुदा का वचन कहता आत्मा से होगा, ना बल से, ना बुद्धि से, ना शक्ति से, आत्मा से। इसलिए इस बड़े काम के लिए खुदा की बड़ी इस गवाही में जो अगुवाई थी मेरी और इस टीम की भी, जो मैं बच्चों को प्रेरित करता हूं कैसे लोगों से बात करनी है, कैसे उन्हें समझाना है, ये बात आपके लिए, क्योंकि हो सकता कल आपको के साथ भी कुछ प्रॉब्लम खड़ी हो, ये टीम बच्चे आपको जो उनकी आत्मा में आए वो सिखाएं। और आप मन खराब करें कि हमने तो फोन किया था प्रार्थना करो, ठीक है, अगर परमेश्वर ने प्रार्थना के लिए अगुवाई करेगा तो प्रार्थना भी कर देगा, पर शरीर से कुछ नहीं करना। कितनों को समझ आ रहा है? अगर आप आत्मा में आ जाओगे ना, तो आज भी वो खुदावंद 4 दिन के पड़े कब्र में लाजर जैसे व्यक्तियों को जिंदा करने की ताकत, मैंने कहा वो आज भी रखता है, आज भी अंधों को आंखें देने की, लंगड़ों को चलाने की, गूंगों को बोलने की, बैरों को सुनने की, आज भी वो ताकत रखता है, पर आत्मा से, शरीर से नहीं, आत्मा से वो रखता है। इसलिए आत्मा में आना है, अपने आत्मा के इस प्रबंध को समझना है। कितनों का समझ आ रहा है? इसलिए इस बड़ी गवाही के लिए, इस बड़ी अगुवाई के लिए, बच्चों के लिए खुदा ने जो मेरी की, इन्होंने मन खराब किया, मन को बाद में अच्छा किया, खुदा ने सब कुछ अच्छा किया, ये गवाही खड़े होकर तारीफ करने की, खड़े होकर यीशु दिल से का शिफा, यीशु करु करता रहा, यीशु करु देता शिफा, यीशु करु करता रहा, यीशु करु देता शिफा, यीशु करु करता रहा, यीशु करु देता शिफा, यीशु करु करता रहा। हालेलुया बोलते हुए जोर से, यीशु का रूप ऐसा ले हां, यीशु का रूप ऐसा शिफा, यीशु का रूप ऐसा ले हां। मेरी बहन, जिस शैतान ने तुझे अपनी जुक्ति में फंसाया और तेरे मन को खराब किया है, पर खुदा ने स्वर्ग से तेरी सुनी है, उसके लिए 3 बार जोर से हालेलुया बोल दे, ताकि शैतान को थप्पड़ लगे आज। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जोर से तारीफ करो उस खुदाबंद की। आमीन, आमीन। जो खुदा ने आज आपको शुरू में वचन दिया था कि आज खुदा आपकी अंदर तक की बुद्धि को खोलेगा, वो आज खुल रही है। खुल रही है कि नहीं खुल रही? बोलो खुल रही है, क्योंकि यहां पे जो विषय है शरीर का नहीं है, आत्मा का है। यहां पे जो खुदा के घर में आने का जो विषय है वो शरीर का नहीं है, आत्मा का है। बोलो क्या है? जब आत्मा में आ जाएंगे तो सब कुछ आसान होता जाएगा। आमीन। ओके, गॉड ब्लेस यू। अब इसी आत्मा के नियम में बढ़ना है, ठीक है? अब दोबारा कुछ भी हो तो शरीर में नहीं आना, खुदा की रूह में बढ़ना है। ओके, तो ठीक है,